वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकंड ईयर ESDP के सेकंड सेमेस्टर में वेटरनरी फार्मेकोलॉजी में चैप्टर नंबर 20 यानी श्वसन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियाँ, ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम का अध्ययन करेंगे। कल हमने ड्रग्स एक्टिंग ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन किया था। आज रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कार्य करने वाली औषधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो सिस्टम जो रेस्पिरेशन से संबंधित है, जिसमें ट्रेकिया है, लंग्स है, जो रेस्पिरेशन का श्वसन का कार्य करते हैं, इन औषधियों का अध्ययन करने के लिए हम देखते हैं कि वो औषधियाँ श्वसन तंत्र के स्रावों को, यानी जो श्वसन तंत्र में स्राव होते हैं, सीक्रेशन होते हैं बीमारी की वजह से, वो गाढ़े हो जाते हैं। गाढ़े सीक्रेशन जो है उनको ये जो मेडिसिन है ये पतला कर देती है। जो आप श्वसन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियाँ हैं, वो गाढ़े सीक्रेशंस को पतला कर देती है और श्वसन तंत्र के स्रावों की मात्रा को बढ़ा देती है। यानी जो सीक्रेशन होता है श्वसन तंत्र में, उनकी मात्रा को बढ़ा देते हैं और बाहर निकाल देते हैं, उसको शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। दूसरा, जो अगर श्वसन तंत्र की नलिकाओं में, यानी ट्रेकिया में या ब्रोंकियोल्स में, तो आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम एनाटॉमी में पढ़ा है, तो उसमें श्वसन नलिकाएँ, श्वास नलिकाएँ, अगर उनमें किसी प्रकार की सूजन हो तो ये औषधि जो है वो सूजन को कम कर देती है। अब इसमें कौन कौन सी मेडिसिन है, इसमें मेडिसिन है मेनली जो है वो अपने आज अध्ययन करेंगे उसका, वो है ईपी केकुआना, यानी ये सिफिलिस ईपी केकुआना पौधे की जड़ों से, जड़ों को सुखा लेते हैं, यानी इसकी जड़ जो है वो राइजोम की तरह इसकी जड़ें होती है इस पौधे की, जिसका बोटेनिकल नेम है सिफिलिस एपिकेकोना, उसकी जड़ों को सुखाकर इसको प्राप्त करते हैं। पशु चिकित्सा में एपिकेकोना जो है वो दो रूप में काम में लिया जाता है। एक तो इसका पाउडर, यानी पाउडर रूप में, और एक टिंचर के रूप में। तो पाउडर के रूप में खांसी में कैसे यूज़ करते हैं इसको, इसकी डोज जो है वो केटल हॉर्स में 4 से 10 ग्राम है। इसकी डोज जो केटल हॉर्स में 4 से 10 ग्राम है और कुत्ते में 16 से 20 मिलीग्राम पाउडर की खुराक है। और टिंचर एपिकेकोना, यानी एपिकेकोना जो है वो टिंचर के रूप में, इसकी डोज केटल हॉर्स में 8 से 30 ml और डॉग में 0.32 ml इसकी डोज है। अब इसका उपयोग क्या है, मतलब एपिकेकोना का उपयोग ये है, एक तो ये एंटी इमेटिक है, यानी उल्टी रोकता है, एंटी इमेटिक है। जब कुत्तों में लगातार कंटिन्यूस जो उल्टी होती रहती है, कुत्तों में लगातार उल्टी हो, तो टिंचर एपिकेकोना 0.03 ml से 0.06 ml, ये इसकी खुराक है कुत्ते में। जब उसको लगातार उल्टी होती है तो 0.03 से 0.06 ml, और उसको बर्फ़ के पानी में मिलाकर पिला देते हैं, उससे उल्टी बंद हो जाती है। और एक एक्सपेक्टोरेंट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट के रूप में जब पशु को खांसी हो, तो ना पशु जब खांसता है बार बार, या पशु को नमूनिया हो, तो ये अगर एपिकेकोना देते हैं तो पशु का कफ की मात्रा को बढ़ा देता है, जो कफ जिसे बोलते हैं, कफ की मात्रा बढ़ा देता है और उसको पतला करके खांसी के रूप में, खांसी द्वारा बाहर निकाल देता है शरीर से। तो इसको खांसी में और निमोनिया में एक्सपेक्टोरेंट के रूप में काम में लेते हैं। एक ये डायफोरेटिक का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पसीना लाना, यानी वो औषधि जिसको देने से पशु को पसीना ज़्यादा आता है। पसीना जब ज़्यादा आता है तो पशु का तापक्रम कम हो जाता है।
मतलब जब पशु को बुखार हो, यानी मुख्य रूप से इसको कुत्तों में देते हैं, कुत्तों में डावर्स पाउडर के रूप में, यानी कुत्तों में बुखार हो तो इसको डावर्स पाउडर के रूप में, DOVERS डावर्स पाउडर के रूप में, और कोराइजा मस्कुलर रूमेटिज्म में भी दिया जाता है इसको। ये मस्कुलर रूमेटिज्म और कोराइजा को इस बीमारी में भी इसको देते हैं। डावर्स पाउडर आपने पहले के अध्याय में हमने पढ़ा था, डावर्स पाउडर उसका मतलब है, डावर्स पाउडर बनाने का फार्मूला है पल्व ईपीकेकोना, ईपीकेकोना का पाउडर और पल्व ओपियम, ओपियम का पाउडर, दोनों को एक एक ग्राम लेते हैं। और लेक्टोज, यानी ये व्हीकल का काम करेगा लेक्टोज, जो 8 ग्राम लेते हैं मीठा, ये तीनों चीज़ें मिला के एक पाउडर की पुड़िया बनाते हैं, वो है डावर्स पाउडर, जो कुत्ते को बुखार में देते हैं, जैसे उससे पसीना ज़्यादा आता है और बुखार उसका कम हो जाता है। अब इसकी खुराक जो है डावर्स पाउडर की खुराक, ये केटल और हॉर्स में है 4 से 15 ग्राम, यानी ईपीकेकोना पाउडर की डोज केटल और हॉर्स में 4 से 15 ग्राम है, और कुत्ते में 0.3 to 1 ग्राम है। कुछ और बीमारियां भी हैं जिनमें इसका ईपीकेकोना का उपयोग करते हैं, जैसे ये स्टोमकी के रूप में देते हैं। स्टोमकी का मतलब होता है पशु को भूख लगती है, इससे मतलब भूख लगाने वाला पाउडर स्टोमकी, जो स्टोमकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। और रूमेनेटोरियम, रूमन की टोन को बढ़ाने वाला, रूमेनेटोरियम मतलब रूमन की टोन को बढ़ा देता है, तो ये एज स्टोमकी और रूमेनेटोरियम के रूप में। और एक साइलेगो, साइलेगो का मतलब है जो सेलाइवा है उसकी मात्रा को बढ़ा देता है, जो सेलाइवा भोजन को पचाने में काम आता है उसको ये बढ़ा देता है, इसके ये साइलेगो का काम करता है। और गैस्ट्रिक स्टिमुलेंट, यानी गैस्ट्रिक स्टिमुलेंट, गैस्ट्रिक पेट की को उत्तेजित करता है, यानी पशु को भूख लगती है इससे, तो ये ईपीकेकोना के उपयोग हैं। आज ये अभी जो अपने ईपीकेकोना के बारे में पढ़ा है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करने वाली औषधि है। तो इसको भली प्रकार से, इसकी जो मेन जो क्वेश्चन है, जैसे डावर्स पाउडर है उसका फार्मूला क्या है, ईपीकेकोना क्या काम करता है, उसकी डोज क्या है घोड़े में और केटल में, कुत्ते में डोज क्या है, और ये ईपीकेकोना जो है वो अन्य रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा अन्य क्या क्या काम करता है, जो आपने अभी देखा स्टोमेटिक, रूमिनेटोरियम, साइलेगो, गैस्ट्रिक स्टिमुलेंट, ये आदि काम है, इनको अच्छी प्रकार से याद करें। कल हम प्रजनन तंत्र पर कार्य करने वाले औषधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।